नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन मलिक स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल स्टडी टेबल में। दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया था, ये सीरीज है पिछले वर्षों में पूछे गए ग्रुप डी के जितने पेपर हुए उन सभी की। हर जगह जिस तारीख को पेपर हुआ और जिस सिटी में पेपर हुआ, जिस शहर में पेपर हुआ, मैं उस तरीके से आपको ये सभी क्वेश्चन बताऊँगा। ये भाग 10 है, इससे पहले 9 वीडियो जा चुकी है, उन्हें देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन लिंक में जाइए, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आइए तो शुरू करते हैं। आरआरबी कोलकाता, ये पेपर कोलकाता हुआ 6/1/2008 को। तो इसका पहला सवाल, लोकनायक उपनाम है, लोकनायक किसका उपनाम है? लोकनायक के नाम से हम किसको जानते हैं? जयप्रकाश नारायण को। आर्यों की विशद जानकारी किस वेद में मिलती है? तो जो आर्य आए थे उनकी विशद जानकारी, जो पूरी जानकारी मिलती है, वो ऋग्वेद में मिलती है। स्थल सेना के पूर्वी कमांड का मुख्यालय कहाँ है? तो स्थल सेना का पूर्वी कमांड का मुख्यालय है कोलकाता में। अगला सवाल, पृथ्वी की ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? क्रस्ट। पृथ्वी की ऊपरी परत को हम कहते हैं क्रस्ट। नागार्जुन सागर बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो नागार्जुन सागर बांध परियोजना है कृष्णा नदी पर स्थित। नवरत्न किसके शासनकाल से संबंधित थे? तो अकबर के शासनकाल से संबंधित थे नवरत्न। अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? महमूद गजनवी के साथ। तो अलबरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। अगला सवाल, स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? अमृतसर में। अकबरनामा के रचयिता कौन थे? अकबरनामा किसने लिखी थी? अबुल फजल। भारतीय संविधान की कुंजी किसे कहा गया है? प्रस्तावना को। प्रस्तावना को भारतीय संविधान की कुंजी कहा गया है। उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत किसने दिया? तो उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत दिया गया था अल्फ्रेड मार्शल द्वारा, याद रखिएगा, अल्फ्रेड मार्शल। अगला सवाल, गाड़ी में साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का, किस मिरर का उपयोग होता है? तो उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है गाड़ी के, जो साइड में मिरर होता है, शीशा लगा होता है उसमें, उत्तल दर्पण का। वर्षा की बूंदों का गोल बनने का क्या कारण है? किस वजह से जो बारिश की बूंदें होती है वो गोल होती है? पृष्ठीय तनाव के कारण, सरफेस टेंशन इंग्लिश में बोलते हैं, तो पृष्ठीय तनाव के कारण जो बारिश की बूंदें होती है वो गोल हो जाती है। किसकी वस्तु को गर्म करने की क्रिया में बिना विचलित हुए ऊष्मा का संचरण किस विधि से होता है? चालन विधि से ऊष्मा का संचरण होता है। शरीर में वसा का संश्लेषण किस में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में शरीर में वसा का संश्लेषण होता है। अगला सवाल, सोडियम को किस में रखा जाता है? मिट्टी तेल में हम सोडियम को रखते हैं। पानी का अधिकतम घनत्व कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है? कितने डिग्री सेल्सियस पर पानी का जो घनत्व होता है वो अधिकतम होता है? तो होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। ब्लैक होल सिद्धांत की खोज किसने की थी? तो ब्लैक होल सिद्धांत की खोज की गई थी एस चंद्रशेखर द्वारा। फिर उसके बाद जयपुर में पेपर हुआ, आरआरसी जयपुर, जो 4/5/2008 में हुआ। तो पहला सवाल, वोट देने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? वोट देने के लिए कम से कम उम्र होनी चाहिए 18 वर्ष। भारत में सती प्रथा बंद कराने में किसने सहयोग दिया था? तो भारत में सती प्रथा बंद कराने में किसने सहयोग दिया था? राजा राम मोहन राय ने। और आपको कमेंट करके बताना होगा कि उस टाइम गवर्नर जनरल कौन थे। अगला सवाल, पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? सितार से। तो जो पंडित रविशंकर थे वो सितार बजाया करते थे। अगला सवाल, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग कितने दिनों में लगाता है? तो 28 दिनों में चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करता है। मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र जो थी वो मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। संसद का ऊपरी सदन कौन सा होता है? तो संसद का ऊपरी सदन होता है राज्यसभा, और निचला सदन होता है लोकसभा। बिस्मिल्ला खां किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? शहनाई से। तो बिस्मिल्ला खां क्या बजाते थे? शहनाई। अगला सवाल, वर्तमान में भारतीय संविधान में अनुसूचियों की कुल संख्या कितनी है? फिलहाल भारतीय संविधान में जो अनुसूचियाँ हैं उनकी जो संख्या है वो 12 है। भारतीय संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष किया गया था? सन 1951 ईस्वी में भारतीय संविधान में पहला संशोधन हुआ। रविंद्रनाथ टैगोर रचित जन गण मन सर्वप्रथम किस वर्ष प्रकाशित हुआ? सन 1912 ईस्वी में सबसे पहले जन गण मन जो रविंद्रनाथ टैगोर ने रचित किया था, लिखा था, वो सबसे पहले
प्रकाशित हुआ सन 1912 ईस्वी में। नटराज की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा किस कला का उदाहरण है? तो जो नटराज की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा है वो चोल कला का उदाहरण है। अगला सवाल, रात में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए क्योंकि पेड़ रात में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और दिन में ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जिसे हमें लेने में हमें ऑक्सीजन चाहिए होती है। तो दिन में पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, लेकिन रात में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और हम भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो उससे हमारा जो सांस लेने में वो दिक्कत होती है अगर हम पेड़ के नीचे सोते हैं, इसलिए नहीं सोना चाहिए। पैरा बैंगनी किरणों का अवशोषित किया जाता है, ओजोन परत द्वारा पैरा बैंगनी किरणें अवशोषित की जाती है। खाने के सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट NaCO3, ये खाने के सोडे का रासायनिक नाम है। रबर को कड़ा करने के लिए उसके साथ किस पदार्थ को मिलाया जाता है? रबर में उसका सल्फोनिफिकेशन होता है, सल्फर उसमें मिलाया जाता है ताकि जो रबर हो वो कड़ा हो सके, कड़ी हो सके, कड़ी। फिर उसके बाद पेपर हुआ RRC रेलवे रिक्रूटमेंट सेल हाजीपुर 14/12/2008 को, 14 दिसंबर 2008 में, उसमें भी प्रश्न पूछे गए, वे भी देख लेते हैं। पहला प्रश्न, किस युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया था? तो कलिंग का युद्ध जब हुआ था उसके बाद अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। कमेंट करके बताएं कि कलिंग का युद्ध कब हुआ था। देशी रियासतों के एकीकरण का श्रेय किसको जाता है? सरदार पटेल को देशी रियासतों के एकीकरण का श्रेय जाता है। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? 326 ईस्वी पूर्व में। अगला सवाल, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में सती प्रथा का अंत हुआ था? विलियम बेंटिक उस समय गवर्नर जनरल थे और उन्होंने उस समय सती प्रथा का अंत हुआ था, सती प्रथा खत्म कर दी गई थी। कनिष्क किस वंश का राजा था? कुषाण वंश का राजा था कनिष्क। कोलार की खानों में किस धातु का उत्पादन होता है? तो कोलार की खानों में सोना धातु जो होती है सोने का उत्पादन होता है। अमेरिका की खोज किसने की थी? कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। अगला, गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? लाला हरदयाल ने गदर पार्टी बनाई थी। सिखों के प्रथम गुरु कौन थे? गुरु नानक देव सिखों के पहले गुरु थे। भारत में बिजली उत्पादन में सर्वाधिक हिस्सा किसका है? ताप विद्युत शक्ति का सबसे ज़्यादा हिस्सा है भारत में बिजली उत्पादन में। शुद्ध जल का पीएच मान होता है, शुद्ध जल की पीएच मान कितना होता है? 7। अगला सवाल, डायनामो का कार्य है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। एनीमिया रोग शरीर में किस पदार्थ की कमी से होता है? तो जो एनीमिया रोग होता है वो लोहे की कमी से होता है। अगर हमारे शरीर में आयरन की कमी पड़ जाती है तो हमें एनीमिया रोग हो जाता है। मधुमेह का रोग किसकी कमी से होता है? इंसुलिन की कमी से होता है मधुमेह का रोग। डेसिबल से क्या मापा जाता है? ध्वनि की तीव्रता, जो ध्वनि की तीव्रता होती है उसको नापते हैं हम डेसिबल में, ये उसकी इकाई है। और दोस्तों ये थे हमारे आज के सवाल जो वर्ष 2008 में पूछे गए। मैंने आपको तारीख और शहर के साथ ये सवाल बताए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। ऐसे ही हमारे जो अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप उसको फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और आपको वीडियो मिल जाएगी। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें स्टडी टेबल के नाम से, आपको वहाँ पर भी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। तो दोस्तों धन्यवाद।